के दौरान आपने हमेशा सुना होगा कि ज़्यादा नींद आए या कम नींद आए तो इसका क्या संकेत होता है। बहुत सारे लोग इसके अलग अलग संकेत बताते हैं, गर्भ में बेबी बॉय और बेबी गर्ल होने के भी संकेत देते हैं। तो आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आती है तो इसके क्या संकेत होते हैं, और कम नींद आती है तो इसके क्या संकेत होते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा और आप सब देख रहे हैं नेहा ऑफिशियल। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे सिम्टम वो बताते हैं, और ये बात भी आपने सुनी होगी कि ज़्यादा नींद आना या कम नींद आना किस ओर इशारा करती है। साथ ही बड़े बुजुर्ग महिलाएँ महिला की हलचल देख के, महिला के खान पान को देख के ही बता देती है कि उन्हें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो आप बात करते हैं कि ये लक्षण कितने सटीक बैठते हैं। तो कुछ महिलाओं के साथ तो एकदम सटीक बैठते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ ये एकदम फेल हो जाते हैं, यानी उनके साथ ये काम नहीं आते हैं। तो आज बात करते हैं कि ज़्यादा नींद आना किस तरफ इशारा करती है, इसके क्या संकेत हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आती है तो ऐसे में बेबी बॉय होता है, और ये बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। साथ ही कहा जाता है कि जिन महिलाओं को बहुत कम नींद आती है, यानी दिन भर एक्टिव रहती है और 8 घंटे की नींद अगर वो पूरी कर लेती है तो उन्हें फिर और नींद लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो इतनी एक्टिव रहती है कि उन्हें बार बार नींद नहीं आती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो दिन भर सुस्त रहती है, उन्हें हर पल आलस आते रहता है, साथ ही उन्हें हर पल सोने का मन करता है। तो उन महिलाओं को कहा जाता है कि उनको बेबी बॉय होता है। तो बात करते हैं कि ये सब क्यों होता है, क्या ये सच में यही लक्षण होते हैं, बेबी बॉय होने के लक्षण होते हैं या बेबी गर्ल के लक्षण होते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती थी और साथ ही मैं दिन भर एक्टिव रहती थी, सारे काम करती थी, और रात में मैं आराम से सो जाती थी। रात भर में मैं 9 से 10 घंटे की नींद पूरी लेती थी, एक बार में मैं नींद पूरी कर लेती थी। फिर दिन भर मुझे आलस नहीं आता था, मैं काफ़ी एक्टिव रहती थी। तो सर्दियों के दिन थे तो वैसे भी आलस नहीं आता था। हो सकता है कि गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम पे तो ऐसे भी आलस आता है। गर्मियों के टाइम पे तो किसी को भी दिन में नींद आने लगती है, हो सकता है इस वजह से आलस आ रहा हो। दूसरा जो कारण होता है बहुत ज़्यादा नींद आने का, वो होता है दिन भर में थकान होना, यानी बहुत ज़्यादा काम करना, और प्रेग्नेंट महिला बहुत ज़्यादा थक जाती है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। और तीसरा जो कारण होता है वो होता है, सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वो होता है हेमोग्लोबिन की कमी होना, यानी शरीर में खून की कमी होना और अनीमिया की शिकायत होना। तो बहुत सारी महिलाओं में ये सब देखा जाता है कि उन महिलाओं में काफ़ी एनीमिया की शिकायत है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को एनीमिया की शिकायत हो जाती है। कहा जाता है कि भारत में 51% महिलाओं को एनीमिया की शिकायत होती है, एनीमिया से वो पीड़ित रहती है। उसके लिए आपको कुछ ऐसे भोजन करने हैं जैसे जिससे आपके शरीर में खून की कमी ना हो, हीमोग्लोबिन बढ़े और आप दिन भर तरोताजा और तंदुरुस्त रहे। साथ ही आपके बच्चे के पोषण के लिए और सही विकास के लिए भी ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको आलस आता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इसका ये कारण हो सकता है कि आपको एनीमिया की शिकायत हो। तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, साथ ही आप अच्छा भोजन लें और अपने भोजन में ऐसी चीज़ें जरूर शामिल करें जिससे आपको हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में मदद मिले। तो ये तो थी कुछ बातें ज़्यादा नींद आने की, लेकिन कम नींद आना प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम क्यों आती है, इसमें भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है प्रेगनेंसी के दौरान, इस वजह से भी नींद कम आती है। साथ ही हार्मोन ऐसे चेंज होते हैं, हर किसी के हार्मोन एक जैसे नहीं होते हैं, और जिस हिसाब से हार्मोन चेंज होते हैं उस हिसाब से कहा जाता है कि कभी कभी नींद भी कम आती है। और ये एक आम बात है, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहना, उसी के बारे में सोचना और अपनी प्रेगनेंसी की ओर ध्यान न देना, ये भी नींद ना आने का एक कारण हो सकता है। इसलिए आपको दिन भर में अपना ध्यान भी देना है और आपके अपने जो निजी काम है उनको साइड में रख के आपको सबसे पहले अपना ध्यान देना है, अपने खान पान का सही ध्यान देना है, और मॉर्निंग से लेके नाइट तक आपको अच्छे से अपनी डाइट में हर चीज़ को शामिल करना है जो प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी होता है। इस वजह से भी हो सकता है आपको नींद ना आती हो। और जब भी आप सोने के लिए जाए तो अपने पैरों के तलों में ज़रूर मालिश कर लें और एक ग्लास दूध आप ज़रूर ले लें, इससे कहा जाता है कि बहुत अच्छी नींद आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सोने जाती हैं तो सबसे पहले आप टेंशन फ्री हो जाए, हर चीज़ को आप भूल जाए और अपने बच्चे और अपना ध्यान करिए, इससे कहा जाता है कि बहुत
ज़्यादा अच्छी नींद आती है, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहेंगे, चिंता में रहेंगे तो ऐसे भी आपको नींद नहीं आएगी। और इसका कोई सच प्रमाण तो नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम आती है तो गर्भ में बेबी गर्ल होती है, क्योंकि मेरे टाइम पे ये हुआ था कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आती थी, बहुत कम भी नहीं, मैं नॉर्मल सोती थी। और मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो बस यही है कि कुछ हार्मोन चेंज होने की वजह से या थकान की वजह से, साथ ही हीमोग्लोबिन की समस्या की वजह से ये सारी समस्याएँ होती है। तो आप सबसे पहले अपना डॉक्टर से चेकअप करवाएँ और मिथ्या बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आते रहे। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।